आज से तुम अपने भाई की भी हिम्मत हो। तुम दोनों को आज एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। और तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना, रोते तो कमजोर लोग हैं। चले डिटेल में सब कुछ बताओ, मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले हैं मुलाकात के लिए। नासिर, उन्होंने अपना ऑफिस सील कर दिया था और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल पाओ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये अगर मेरे हाथ से इस बार निकल गया ना तो मैं चैन से नहीं रह सकूंगा। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। मुझे मेरी बहन की मौत सोने नहीं देती। प्लीज नासिर, मुझे यहां से बाहर निकलवाओ। किसी तरीके से उसका फोन नंबर, एड्रेस कुछ तो पता करो। मैं कहां से पता करूं? अब तो वो लोग छुप गए होंगे। नासिर, यहां पुलिस स्टेशन में उनका एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, जो रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई है उसकी कॉपी निकलवाओ। ये सब चीजें करवाओ ताकि मैं बाहर निकल सकूं ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। आलियान, तुम्हारी मुलाकात आई है। तुम यहां क्यों आई हो? तुमसे मिलने आई हूं। फौजो यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझसे लाख नफरत कर लो, लेकिन मैं हूं तो एक मां। बेशक तुम्हारी मां नहीं, लेकिन अपनी बेटी की मां तो हूं। मैं तुम्हें यहां से निकलवाने आई हूं। वाह, आज बड़ी हमदर्दी हो रही है मुझसे। लगता है कोई नई चाल सोच कर आई हो। चाल सोच के नहीं आई हूं, मजबूरी में आई हूं। तुम्हारी दी हुई अजियतों के बावजूद मेरी बेटी तड़प रही है तुम्हारे लिए।
आज समझ में आया कि तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा थी, लेकिन उसकी मोहब्बत तो सच्ची है ना। तुम्हें क्या लगता है कि ये बातें सुनकर मुझे मुझे कोई तुम्हारी बेटी में दिलचस्पी होगी? ऐसा सोचना भी नहीं। जानती हूं, लेकिन फिर भी ममता के हाथों तो मजबूर हूं ना मैं, क्या करूं। ममता, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यकीन ना करो, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें यहां से निकाल सकती हूं। मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं। मेरे पास आपदा और साथ के घर का पता है। मैं जानती हूं तुम परेशान हो, बेबस हो, लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। मैं तुम्हें यहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे ना तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं। देखो आर्यन, यकीन करो, सिर्फ मैं ही तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकती। तुम जैसी औरत जो है ना, बगैर किसी गर्ज के कभी भी किसी के काम ना आए। हाँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है ना कि तुम सही थे, गलत नहीं थे। अगर तुम साथ से पहले ही मिल चुके होते ना, तो मेरी बेटी के साथ ही सारा धोखा ना करते तुम। अच्छा बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब जाओ यहां से। उसकी रात की फ्लाइट है, वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। क्या? साथ मुल्क छोड़ के जा रहा है वो? ऐसे नहीं जा सकता, मुझे मुझे उससे अपनी बहन का बदला लेना है। ऐसे नहीं जा सकता। जाना भी नहीं चाहिए, वो तुम्हारा असल मुजरिम है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी तो मैं कह रही हूं मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आई हूं। अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहती हूं। तुम बेफिक्र रहो, उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ना मैं तुम्हें उस तक पहुंचवा दूंगी। वादा है मेरा, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, मैं कहा ना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। नासिर निकलवा लेगा मुझे यहाँ से। नासिर कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मैं जाके बात करती हूँ। सिर कहां रह गया? कहां रह गया तुम नासिर? जल्दी आओ, मुझे यहां से निकलवाओ। साथ नहीं जा सकता यहां से।